हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच के बारे में। ये इंदौर मध्य प्रदेश में खेला गया था और आज इंडिया ने एकदम अजूबा कर दिया, आज ऐसा कारनामा कर दिया जो अभी तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 399 रन का टारगेट कभी भी नहीं बनाया था ओडीआई में। आज उन्होंने 399 रन का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को, जो कि हाईएस्ट टारगेट है अभी तक का। और इसमें शुभम गिल ने और श्रेयस अय्यर ने 104 और 105 रन की पारी खेली और सोने पे सुहागे वाला काम किया हमारे स्काई ने, सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव ने 37 बॉलों में 72 रन की पारी खेल दी और 200 के स्ट्राइक रेट से ये कारनामा किया उन्होंने। आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस तो जीता और टॉस जीतने के बाद उन्होंने सोचा कि हम बॉलिंग करते हैं, बिकॉज वो पहला ओडीआई ऑलरेडी हार चुके हैं। तो उन्होंने इस मैच में सोचा कि हम बॉलिंग करके इस बार इंडिया को फंसाने की कोशिश करते हैं और सीरीज को 1-1 से बराबर करते हैं। बट उन्हें क्या मालूम था कि इंडिया यहाँ पे काम तमाम करने वाला और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में उसको ऐसी तबाही मचा दी है कि उसको अब सोचना पड़ जाएगा कि वर्ल्ड कप जो आने वाला उसमें ऑस्ट्रेलिया कैसे खेलेगा इंडिया के खिलाफ। बिकॉज अभी इंडिया में ही ऑस्ट्रेलिया से इनका पंगा हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ इनको वर्ल्ड कप भी खेलना है और ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में आना है और इंडिया के खिलाफ भी खेलना है। तो ऑस्ट्रेलिया की तबाही हो चुकी है और इंडिया हर एक टीम को बर्बाद करते हुए जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया ने एशिया कप भी जीता जिसमें उसने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया, श्रीलंका को भी बहुत बुरी तरीके से हराया, 50 रन पे ऑल आउट कर दिया था श्रीलंका को दो फाइनल्स में। और यहाँ पे इंडिया के घर में आया था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सोचा था कि हम कुछ प्रैक्टिस मैच खेलते हैं इंडिया के खिलाफ, पर इंडिया ने पाकिस्तान के बाद, श्रीलंका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं छोड़ा, ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत बुरी तरीके से धोया है। और यहाँ पे फर्स्ट ओडीआई उसने हराया और सेकंड ओडीआई में भी उसको बहुत बुरी शिकस्त मिली ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के खिलाफ। जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 399 रन का विशाल टारगेट दिया तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा टारगेट था जो कि एक तरीके से असंभव टारगेट था, बिकॉज ऐसा टारगेट उन्होंने कभी अचीव नहीं किया उन्होंने इंडिया के खिलाफ, बिकॉज इंडिया ने भी ये पहली बार ही किया है जो कि 399 रन का टारगेट दे दिया ऑस्ट्रेलिया को। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की पारी चालू हुई तो उनकी 9 रन पे 2 विकेट गिर चुकी थी और उनको ये समझ आया था कि हमारा भी हाल कहीं पाकिस्तान वाला ना हो जाए और श्रीलंका वाला ना हो जाए। तो इसलिए डेविड वार्नर और मार्कस लेबुश्रेन ने थोड़ा संभल खेलना चालू किया, पर मार्कस लेबुश्रेन भी आउट हो चुके और बस डेविड वार्नर ने 53 रन की पारी खेली। और इनकी साइड से, ऑस्ट्रेलिया की साइड से अगर हम बात करें किसने ज्यादा रन बनाए, तो डेविड वार्नर ने 53 रन बनाए हैं 39 बॉलों में। उसके अलावा सीन एबॉट ने 36 बॉलों में 54 रन मारे, जो कि उनकी तरफ से हाईएस्ट रन्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ मारे, जिसमें सीन एबॉट और डेविड वार्नर ने हाईएस्ट रन बनाए। और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 28 ओवर में ऑल आउट होगी 217 रन बना के, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। अब ऑस्ट्रेलिया के पास यही बचा है कि वो तीसरा मैच कैसे ना कैसे जीत जाए और तीसरा मैच जीत के 2-1 से इस सीरीज को खत्म करे। ऐसा लगता नहीं कि तीसरा मैच भी ऑस्ट्रेलिया जीत पाएगी, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है इस समय। और इस समय इंडिया की टीम ओडीआई, टी20 एंड टेस्ट मैच तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे टीम है। अब आने वाले वर्ल्ड कप में जो इंडिया जाएगी वो नंबर 1 ओडीआई टीम के रूप में जाएगी और वर्ल्ड कप खेलेगी। जब शुभम गिल और श्रेयस अय्यर दोनों ही आउट हो चुके थे तो स्काई आयन केएल राहुल यही दोनों प्लेयर थे जो उनकी मेन रूप से काम कर रहे थे और इन्होंने इस टारगेट को 400 के पास पहुंचाया। सूर्य कुमार यादव ने एक ओवर में 4 छक्के मारे और हमें ऐसा लग रहा था कि ये कहीं 6 छक्के ना लग जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। उस ओवर में 26 रन ही लगे जिसमें 4 छक्के लगातार सूर्य कुमार यादव ने मारे। इंडिया की बॉलिंग साइड की तरफ से अश्विन और जडेजा ने 3-3 विकेट लिए एंड प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट ली एंड मोहम्मद शमी ने 1 विकेट ली। तो ये इंडिया का बॉलिंग ट्रैक है जिसमें उन्होंने 10 की 10 विकेट ऑस्ट्रेलिया की उड़ा दी और ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया। जैसा इस बार इंडिया खेल रही तो उससे ऐसा लग रहा है कि इंडिया वर्ल्ड कप में अगर ऐसा खेलती है तो वर्ल्ड कप इंडिया का ही होगा, बिकॉज इंडिया एक प्रबल दावेदार है और उसकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ एकदम टॉप नॉच चल रही है। और इस समय ये दुविधा है राहुल द्रविड़ के पास कि किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, बिकॉज जितने भी प्लेयर हैं सभी के सभी चल रहे हैं। जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं इंडिया की तरफ से, या ईशान किशन हो, शुभम गिल हो, श्रेयस अय्यर हो एंड स्काई हो, तो ये सारे के सारे प्लेयर लगातार चल रहे हैं। और जो मेन प्लेयर है विराट कोहली और रोहित शर्मा, वो तो टीम में आना भी बाकी ही है। और बॉलिंग में शमी हैं, बुमराह हैं, ये सब मेन बॉलर्स हैं जो कि इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं। तो ये काफी धारदार इंडिया की बैटिंग साइड, बॉलिंग साइड, फील्डिंग साइड दिख रही है। अब ये देखना है कि इंडिया के सामने कौन टिक पाता है। ऑस्ट्रेलिया का तो ऐसा हाल हुआ है कि पूछो मत,
अब इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका ये दोनों टीम है जिसमें इंग्लैंड ज्यादा मजबूत टीम है एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका। तो इंग्लैंड का टाकरा अगर इंडिया से जब होगा वर्ल्ड कप में तो देखा जाएगा कि इंडिया कैसे उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। तो आज की वीडियो में इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।